हेलो गाइस, कैसे हो? आज का वीडियो लेके तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ टेक सेंटर में। और गाइस इस वाले एरिया के आसपास ना बहुत सारे बंदे आने वाले हैं और बहुत ज्यादा किल्स हो जाएंगे मतलब इसी एरिया के अंदर। तो यहाँ पे गाइस लैंडिंग करता हूँ फटाफट। मेरे को मिलती है डबल यूजी और सामने एक बंदा लैंडिंग करता है। तो यहाँ पे इसको मैं नॉक कर देता हूँ। एक और बंदा यहाँ पे उतरा जो कि साइड में। ये वाला बंदा भाई गन उठा ही चुका था लेकिन भाई मैं इसे नॉक कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे इसको मैं खत्म नहीं करता, थोड़ी देर रुक जाता हूँ कि इसके टीममेट वगैरह आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और फिर बंदा नीचे भागने की सोच रहा था तो भाई लपेट नहीं पड़ता मेरे को इसे। फिर गाइस वहां से निकलने लगता हूँ लेकिन फायरिंग की साउंड आ रही थी मेरे को सामने से, तो भाई चलते हैं वहां पे वापस। अब फुटस्टेप्स आने लगे थे मेरे को, दो बंदों के फुटस्टेप्स आ रहे हैं लेकिन एक तो बोट है शायद से। अब यहाँ पे इस वाले बंदे की भी गन रिलोड पे जा चुकी थी, मेरी भी जा चुकी थी एक टाइम पे। तो यहाँ पे गाइस मैं इस वाले बंदे को नोक कर देता हूँ, यहाँ पे बैरल उठाता हूँ और इसे निपटाऊंगा और भी निकलते फिर यहाँ से। तो फिर गाइस मैं यहाँ पे एक गाड़ी उठाता हूँ और गाड़ी उठा के मेरा प्लान था एक बार अपार्टमेंट चेक करके जब निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होने लगते हैं फायरिंग, तो भाई रुकता हूँ मैं इस वाली बिल्डिंग में और मार देता हूँ। और यहाँ पे भाई फुल स्कोर है। ये बाहर से आता है इसे लपेटा जाता है, पहले एक आता सामने से जो कि आता फिर गेट से। यहाँ पे इसको भी नोक कर देता हूँ मैं लेकिन किल नहीं करता पूरा। और यहाँ पे इसको भी नॉक कर देता हूँ लेकिन किल नहीं करता, जिससे कि इसका टीम मेट आए जो लास्ट वाला बचा है किल में घुसा हुआ है, और इसको लपेट देता हूँ मैं क्योंकि भाई एक बंदा जो दूसरा है वो काम कर देगा वो वाला जो मैं चाह रहा था कि इसका टीम मेट आए। और टीम मेट के मेरे को फुटस्टेप्स आ चुके हैं, यहाँ पे रिवाइविंग चल रही है। और यहाँ पे गाइस मैं लेने वाला हूँ थोड़े से मजे, देखो बस इसको रिवाइव नहीं होने दूंगा मैं थोड़ी देर तक। मैं यहाँ पे फिर से जाके वापस आ जाता हूँ जिससे कि बंदा रिवाइविंग छोड़ के फायरिंग करने लगता है। और अब की बार तो मैं घुस जाता हूँ लेकिन यहाँ पे बंदे ने लोकेशन बदल ली, चालू हो रहा है। लेकिन भाई इसको मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ फाइनली। और फिर थोड़ी सी लूट करते और निकलते हैं फिर यहाँ से। तो यहाँ से अगर जब मेरा प्लान था कभी निकलता हूँ गाड़ी उठा के, लेकिन जैसे मैं गाड़ी उठा के थोड़ी सी आगे जाता हूँ ना इस वाली बिल्डिंग में ये बंदे भर रखे हैं, तो भाई निपटाता हूँ इन्हें भी। पहले तो यहाँ पे हीलिंग करता हूँ। खैर और अब घुस जाते हैं भाई। एक बंदा तो भाई इधर ही बैठा बिल्कुल एम लेके, लेकिन वो तो चला जाता है लेकिन एक और आता है। और यहाँ पे गाइस इन दोनों को मैं पूरा खत्म कर दूंगा और गाइस फिर निकलते इधर से। तो फिर वहां से गाइस मैं गाड़ी निकालता हूँ, थोड़ी आगे चलता हूँ और इतने में साइड से फायरिंग होने लगती है। तो भाई रोकता हूँ मैं गाड़ी और प्लान था कि यहाँ से एक दो बंदों को नॉक करके जबरदस्त मारूंगा, पता चला पूरी स्क्वाड है। यहाँ पे इसको डैमेज तो देता हूँ हल्का फुल्का। इतने माचे एक बग्घी की साउंड जो कि आ चुके सामने वाली बिल्डिंग में। तो गाइस मैं जाता हूँ एक बार चेक करने। पहले मेरे को लगा था एक बंदा लेकिन दो थे यहाँ पे और मेरी हेल्थ चुकी थी यहाँ पे काफी कम। तो यहाँ पे गाइस मैं जाता हूँ सबसे पहले ऊपर, यहाँ पे नेड और स्मोक कर देता हूँ जिससे कि भाई रचना हमारे बंदे थोड़ी देर रुक जाएं। इतने में हीलिंग कर लूंगा और फिर निपटाते इन्हें। बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं मेरे को सामने से। यहाँ पे बंदे भागने के प्लान में थे लेकिन मैं एक को नॉक कर देता हूँ, एक को डैमेज दिया काफी तकड़ा। इसको तो पूरा खत्म कर देता हूँ और गाइस फिर मारता हूँ रश सामने वाली बिल्डिंग में। अब बंदा यार इस वाले फ्लोर पे कैंप कर रहा था, मेरे को फुटस्टेप्स आ चुके थे। तो यहाँ पे गाइस मैं स्मोक भर देता हूँ पूरा और रश मारता हूँ।
बंदे को मैं नोक कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बोट आ जाता और भाई मेरी हेल्थ देखो यहाँ पे। अरे भाई इतने गलत टाइम पे बोट आया ना, और एक तो स्मोक के आर पार देखो बोट निपटा देते हैं, ठीक है मतलब ये तो इंसान है नहीं कि भाई इन्हें आर पार नहीं दिखेगा, इन्हें सब दिख रहा होगा बिल्कुल मस्त, तो इसलिए मेरे को स्मोक के अंदर ही गोली पड़ रही थी। और वो जो बीच में एक अपडेट सी आई थी ना जिसमें बोट की गोलियों का डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ा देता था, अगर वो होती ना इस टाइम तो गया था मैं, लेकिन बच जाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसे मेरे को सामने दिखती है एक बाइक जो कि मेरी तरफ ही आती है, और अभी ये वाले बंदे ने ऐसा क्यों करा मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि भाई, एक तो इतनी बेकार बाइक चला रहा था और ऊपर से भाई फुल रश खेल रहा था बंदा। भाई इस बाइक से अच्छा तो पैदल भाग लो, ज्यादा दूर जाना तो अलग बात है कि भाई जोन वोन में जाना है 1000 मीटर दूर, लेकिन ये बाइक बहुत बेकार है, अगर गोलियां बजने लगी ना गए तुम। अब यहाँ पे कैसे एक टेस्ला आती है और भाई बंदा नीचे नागिन बन जाता है। तो यहाँ पे इसको खत्म कर देता हूँ मैं, बंदा M249 ले रहा था तो M249 लेता हूँ मैं और निकल लेते हैं फिर। अब यहाँ पे गाइस माता हूँ इस वाली टेस्ला फैक्ट्री की तरफ, एक और मैं चेक करके आया हूँ, वहाँ तो कोई मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे तो मैं निपटाता हूँ इन्हें। इस वाले बंदे को मैं नोक कर देता हूँ, और प्लान था ब्रश मारने का, लेकिन मेरे को कवर में से जाना पड़ेगा नहीं तो भाई बंदा वहां से एम लेके निपटा सकता है मेरे को। अब यहाँ पे गाइस मेरा प्लान था नेड फेंकने का, और भाई बंदा मेरे को ग्लिच हो जाता है हल्का सा, आर पार दिख रहा था पता नहीं क्यों, तो यहाँ पे गाइस मैं नेड फेंकता हूँ प्यारा सा और फट जाता है भाई दोनों बंदे। और फिर गाइस मेरे को दिखते हैं यहाँ पे एक टेस्ला पार्क हुई, तो भाई मैं उसकी तरफ जाता हूँ और मेरे को लगा था एक ही बंदा है, लेकिन यहाँ पे पूरी फैमिली कहाँ से निकल गई मेरे को नहीं पता, लेकिन अब उस तरीके से काम लेना पड़ेगा नहीं तो मैं ऐसे घुस रहा था सीधा। अब इसको नोक करता हूँ मैं, एक आता पीछे से फेंटता हूँ, एक आता है फिर सामने से दोबारा और इसको भी लपेटा जाता है, लेकिन इनका लास्ट वाला बंदा मेरे को नहीं मिलता, तो भाई इनको ही खत्म खत्म करके निकलता बनता हूँ मैं। यहाँ पे गाइस मैं बहुत देर से चक्कर काट रहा था आसपास से, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा था, तो एक बार और आता हूँ मैं कि भाई एक बार और चेक कर लूँ कि पता लास्ट वाला बंदा मिल जाए इनका, लेकिन ये बाइक दिख जाते सामने। अब यहाँ पे बंदा वेक्टर लेकर बैठा था, और भाई पहले वाला भी शायद से यूजी वूजी ले रखी थी उसने, मतलब इतना बुरा डैमेज दिया मेरे को इतनी जल्दी, मतलब गाड़ी लगभग फोड़ी थी। और फिर एक बंदा दिखता मेरे को यहाँ पे भगता हुआ, लेकिन इसको मैं नोक कर देता हूँ, पीछे से हल्की फुल्की फायरिंग आती है, इसे निपटा के चलते हैं उसकी तरफ। तो मैं कैसे पार्किंग करता हूँ, मेरे को लगा था थोड़ा उसमें बंदा, लेकिन बंदा तो यहाँ पे था, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और एक बंदा मेरे को ग्लिच होता है यहाँ पे इन झाड़ियों में, तो भाई लपेटते हैं भाई से और दोबारा भटकते हैं यहाँ पे आसपास। अब यहाँ पे एक और बंदा मेरे को हल्के से दिखता है, तो भाई जाता हूँ उसकी तरफ, पहले वो चल रहा था लेकिन बाद में नागिन मच जाता है। यहाँ पे गाइस मैं सीट चेंज करके बंदे को खत्म कर देता हूँ, लेकिन बंदा बहुत तगड़ा डैमेज देता है। और यहाँ पे मैंने सोची थी इस वाले गेम में कि भाई अब मैं सीट चेंज नहीं करूंगा, ठीक है लास्ट का दो ही बंदे बचे हैं, सीट चेंज बिल्कुल नहीं करनी। एक तो गाड़ी का टायर फट चुका था, ये भी गलत बात थी, क्योंकि कई बार गाड़ी का टायर फट रहता तो भाई गाड़ी घूम सी जाती है। लेकिन यहाँ पे गाइस मैं भटकता रहता हूँ और मेरे को एक सिंगल बंदा दिखता है, तो मेरे को लगा भाई अकेला ही बंदा है, सीट चेंज कर देता हूँ, लेकिन बंदे थे यहाँ पे दो, और शायद से दूसरे वाले को कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, इसने मेरे को निपटा दिया। लेकिन हाँ मैंने उस वाले किल के बाद ये चीज़ सोची थी कि अब सीट चेंज नहीं करनी, लेकिन फिर जो होता है वो आपके सामने ही है।